हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं रेखा अग्रवाल। तो गाइज, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, तो ऑब्वियसली हम आइसक्रीम खाना और बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छी लगती है गर्मियों में आइसक्रीम, और ठंडी भी रहती है हमारे शरीर को। तो गाइज, ये देखिए, ये GMS पाउडर है और ये है CMC पाउडर। ये दो चीज़ें इसमें, ये GMS पाउडर है और ये CMC पाउडर है, और ये वेज होते हैं। इन पर मैं मार्क भी दिखा दूंगी, ग्रीन, ये देखिए। तो इस पर ग्रीन मार्क नहीं होता है। और ये इसमें क्या होता है, सोडियम कार्बो मेंथल सेलुलोज। तो ये जो चीज़ है ये वेज होती है, और इस पर मार्क तो नहीं है ग्रीन पर, ये वेज है। तो ये देखिए, इस पर आइसक्रीम का पिक भी लगा हुआ है, कितना अच्छा। इसी तरह की आइसक्रीम इससे बनती है। और गाइज, इसको हम, अगर हम इसको बिना डाले आइसक्रीम बनाते हैं, 1 कप की, सिर्फ एक कप ही आइसक्रीम बनेगी। और अगर हम इन दो चीज़ों को डालते हैं तो 1 कप की 4 कप आइसक्रीम बनेगी, 4 गुना ज़्यादा आइसक्रीम, क्योंकि ये फूल कर ज़्यादा हो जाती है। तो ये डालेंगे, और मलाई डलती है आइसक्रीम में, और ये देखिए दूध डलता है, गाढ़ा दूध। और एक और चीज़ क्या डलती है, ये अरारोट है। ये नॉर्मल अरारोट होता है, 60-70 रुपए का 1 किलो आता है, तो ये हम ले सकते हैं, या कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। तो गाइस, ये देखिए, कुछ इस तरह से अरारोट होता है ये, तो ये डलता है। तो ये देखिए, आइसक्रीम फ्लेवर होते हैं ये, एसेंस, एसेंस बोलते हैं इनको। तो ये डलता है, तो हम इसमें, ये मैंने पैकेट मंगाया था, 12 इसमें फ्लेवर हैं, सॉरी 10 फ्लेवर हैं इसमें। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था पेपिलोन का, तो ये वाले इसमें 10 फ्लेवर हैं। ये देखिए, ऑरेंज फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर है, ये नींबू का फ्लेवर है। ये सब फ्लेवर आइसक्रीम में ही डलते हैं। ये ऑरेंज फ्लेवर है, इसमें पाइनएप्पल का फ्लेवर भी है, पिस्ता फ्लेवर भी है, खस फ्लेवर भी है। तो मतलब कोई भी इसमें फ्लेवर आइसक्रीम में हम डाल सकते हैं। अगर हम एसेंस नहीं डालना चाहते तो ओरिजिनल जो फ्रूट होते हैं, रियल फ्रूट, वो भी डाल सकते हैं, मैंगो, ऑरेंज वगैरह। तो हमारी मर्जी है कि हम क्या डालें। जिस तरह से हम एसेंस डालेंगे, उसी तरह से हम उसमें रियल फ्रूट का पल्प डाल देंगे। तो ये तो हुई आइसक्रीम का इंग्रेडिएंट्स। और मलाई डलती है, मलाई हम पतली पतली दूध के साथ ही लेंगे, और फ्रेश मलाई लेंगे, और इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें एकदम गाढ़ी मलाई नहीं डलती है। अगर हम गाढ़ी मलाई डालते हैं तो उसका मक्खन जैसे बन जाता है, और चिकना चिकना आता है आइसक्रीम में। तो ये सब आइसक्रीम बनाने का सामान है। तो गाइज, इन सब सामान से आप भी घर पर बड़ी आसानी से आइसक्रीम बना सकते हैं, और बिल्कुल बाजार जैसी आइसक्रीम आपकी बनेगी। तो ये अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस। और ये देखिए गाइस, इन्हीं सामानों से हमारी बहुत अच्छी आइसक्रीम बन जाती है। और पहले मैं बताना भूल गई थी, इसमें चीनी भी डलती है, वो तो मेन इंग्रेडिएंट है, तो वो चीनी डाल लेंगे हम और आइसक्रीम बनाएंगे।